हेलो दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी कैंडिडेट को बता देना चाहता हूँ कि यूपी ट्रिपल एससी पैट 2023 का ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है और इसके ऑनलाइन फॉर्म भी स्टार्ट हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 अगस्त 2023 से इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए हैं और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 30 अगस्त 2023 रहने वाली है। तो जितने भी लड़के और लड़कियाँ हैं वो इसके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप कहीं से भी हैं। तो यहाँ पर आज मैं सबसे पहले आपको इसके ऑनलाइन डेट्स के बारे में बताऊंगा, इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि यूपी ट्रिपल एससी पैट क्या है, इसके द्वारा आपको कौन कौन से फ़ायदे मिलते हैं और इसके लिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है, क्या एलिजिबिलिटी कंडीशंस रहती हैं, एज लिमिट क्या रहती है, आपकी जो है योग्यता कितनी होनी चाहिए, ये सभी चीज़ें यहाँ पर मैं आपसे डिस्कस करूँगा। उसके बाद मैं इसके एग्ज़ाम के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा, इसका एग्ज़ाम कब होगा और इसका एग्ज़ाम ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा और इसका सिलेबस क्या रहेगा, एग्ज़ाम में कौन कौन से सब्जेक्ट कितने कितने नंबर के आपसे पूछे जाएंगे और उनको करने के लिए कितना टाइम आपको दिया जाएगा। ये सभी जानकारी आज आपको एक ही वीडियो में मिलने वाली है, तो ये वीडियो आप एक बार ज़रूर देखिएगा अगर आप इसके बारे में जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये डेट्स तो मैंने आपको बता दी, 1 अगस्त से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, 30 अगस्त इसकी लास्ट डेट है ट्रिपल एससी पैट की, तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। और दोस्तों, यहाँ पर मैं अब लेकर चलता हूँ ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म को भरने के लिए आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि है upssc.government.in। इसके लिए आप ऑनलाइन ही फॉर्म भर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म इसका आप नहीं भर सकते, ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने बता रखा है UPSSC पैट क्या है, इसके क्या क्या फ़ायदे आपको मिलते हैं। तो दोस्तों, UPSSC पैट मैं आपको बता दूँ क्या है। ये एक एग्ज़ाम है, ये एक एंट्रेंस एग्ज़ाम है, इसके द्वारा अगर आप यूपी की जितनी भी गवर्नमेंट वैकेंसीज निकलती हैं उसके लिए आपकी ये एलिजिबिलिटी है। अगर आप इसके एग्ज़ाम को पैट के एग्ज़ाम अगर आपने नहीं दे रखा तो आप यूपी के द्वारा यूपी गवर्नमेंट जो उत्तर प्रदेश विभाग है उसमें जितनी भी गवर्नमेंट जॉब सरकारी विभागों में जितनी भी नौकरियां निकलेंगी उसके फॉर्म जो निकलेंगे वो आप नहीं भर पाएंगे अगर आपने पैट एग्ज़ाम नहीं दे रखा। तो ये पैट एग्ज़ाम अगर आपने दे रखा है तभी आप यूपी की जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आपको इसका फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए और इसका एग्ज़ाम 100% देना चाहिए। तो ये इसके फ़ायदे हैं, ये सभी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी है। तो अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आप सभी को बता दूँ कि यहाँ पर आपको इसके ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए क्या क्या चीज़ें बता रखी हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भरने वाले अभ्यर्थियों के लिए आवश्यक सूचना है, यहाँ पर इन्होंने पूरी यहाँ पर प्रक्रिया बता रखी है कि कैसे आपको इसका फॉर्म भरना है। इसमें सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, दूसरा यहाँ पर आपको अपने फ़ोटो और अपना हस्ताक्षर यानी कि सिग्नेचर अपलोड करना होगा, उसके बाद जो फॉर्म का जो शेष बचा हुआ भाग है वो सभी चीज़ें आपको यहाँ पर फिल करनी है और लास्ट में आपको जो है अपनी फ़ीस जमा करनी है और अपना प्रिंट निकलवा कर घर ले आना है। ये चीज़ें यहाँ पर इन्होंने प्रक्रिया बता रखी है। तो यहाँ पर अब मैं नीचे की तरफ आपको लेकर चलता हूँ और यहाँ पर इन्होंने डिटेल वाइज बता रखा है आपको रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, उसके बाद आपको यहाँ पर फ़ोटो और सिग्नेचर कैसे अपलोड करने हैं, सभी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी हैं। तो अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। फ़ीस के बारे में भी बता रखा है कि कैसे कैसे आपको अपनी फ़ीस जमा करनी है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर फ़ीस के बारे में, फ़ीस आपकी कितनी लगने वाली है। तो जितने भी जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी जो फ़ीस है वो आपकी 185 रुपये लगने वाली है टोटल फ़ीस। तो ये टोटल फ़ीस 185 रुपये है और जो भी ओबीसी वाले हैं ओबीसी वालों की भी 185 लगने वाली है, और जो एससी हैं और एसटी हैं और जो दिव्यांग हैं उनकी जो यहाँ पर लगने वाली है एससी एसटी वालों की 95 रुपये और जो दिव्यांग हैं उनकी लगने वाली है 25 रुपये। तो ये हो गई फ़ीस के बारे में, आपको पता चल गया होगा। तो दोस्तों, अब यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ शैक्षिक योग्यता, योग्यता आपकी कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर जो मिनिमम योग्यता रखी गई है वो हाई स्कूल है। अगर आपने 10वीं पास हाई स्कूल कर रखा है यानी कि केवल 10th पास अगर आपने कर रखा है तो आप इसके लिए इसके फॉर्म को भर सकते हैं, आप इसका फॉर्म ज़रूर भरना अगर आपने 10वीं पास कर रखी है। तो ये पैट का यहाँ पर फॉर्म निकल चुका है। बात करें आयु सीमा की,
तो इसकी जो आयु सीमा है यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 40 वर्ष, यानी कि यहाँ पर 18 से 40 साल के कैंडिडेट, कोई भी कैंडिडेट इसके फॉर्म को भर सकता है, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो 18 से 40 साल की एज अगर आपकी है इसके बीच की, तो आप इसके फॉर्म को भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो ये तो होगी आयु सीमा एज लिमिट के बारे में। और यहाँ पर आपको जो है आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन भी दिया गया है, सभी को रिजर्वेशन दिया जाएगा, एससी एसटी ओबीसी को जितना भी मिलता है, चाहे वो एज में हो चाहे आपका जो है एग्ज़ाम में जो मेरिट लगती है उसमें हो, सभी में आपको रिजर्वेशन अच्छा सभी तरीके से दिया जाएगा जिसमें भी दिया जाता है। तो दोस्तों अब देखते हैं परीक्षा योजना, यानी कि जो आपका जो एग्ज़ाम होगा उसका क्या सिलेबस है और क्या यहाँ पर सभी चीज़ें रखी गई हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसमें हाइट वगैरह कुछ भी नहीं है, ना ही कोई फिजिकल है, केवल आपका एग्ज़ाम होगा, आपको केवल एग्ज़ाम देना है। तो आपको पूरा फोकस अपने एग्ज़ाम पर ही देना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जो लिखित परीक्षा है उसके बारे में बताया गया है कि कैसे कैसे आपकी लिखित परीक्षा करवाई जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, इसका जो एग्ज़ाम होता है वो ऑफलाइन ही होता है, ऑनलाइन एग्ज़ाम अभी तक इसका नहीं होता, तो ऑफलाइन आपका एग्ज़ाम करवाया जाएगा। तो परीक्षा का कार्यक्रम यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि 2023 लिखित परीक्षा का जो कार्यक्रम है वो वेबसाइट के माध्यम से आपको जो है प्रेषित कर दिया जाएगा, यानी कि आपको सूचित कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, इसका जो एग्ज़ाम है वो अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के स्टार्टिंग में कभी भी करवाया जा सकता है। तो इसके लिए आप तैयार रहना, अक्टूबर के लास्ट और नवंबर के स्टार्टिंग में कभी भी, नवंबर लास्ट है नवंबर में आपका एग्ज़ाम हो जाएगा, ये चीज़ आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। और जो है स्कोर, जो आपके नंबर आएंगे वो कब तक वैलिड हैं ये भी बताया हुआ है, एक वर्ष तक आपके जो है ये वैलिड रहेगा, क्योंकि साल में एक बार ये करवाया जाता है, तो एक साल तक आपका जो स्कोर कार्ड है वो वैलिड रहेगा। एक साल के अंदर जितनी भी वैकेंसीज आएंगी आप उसके लिए एलिजिबल हैं, उसके बाद आप इसके फॉर्म को अलग से भरना होगा नेक्स्ट ईयर, ये चीज़ यहाँ पर बता रखी है। तो अब अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ पर दे रखे हैं, फॉर्म से रिलेटेड क्या क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है, किस तरीके से आपको फॉर्म भरना है, वही चीज़ें बता रखी है। तो दोस्तों अब यहाँ पर मैं आपको इसका सिलेबस बता देता हूँ, इसका सिलेबस क्या है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 100 क्वेश्चन आपके आएंगे, और इनको करने के लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा, यानी कि 100 क्वेश्चन को करने के लिए 120 मिनट का टाइम मिलेगा। तो टाइम में कोई भी दिक्कत नहीं है, भरपूर टाइम आपको दिया जाएगा वहाँ पर। और दोस्तों यहाँ पर जो नंबर होंगे वो 100 नंबर होंगे, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के यहाँ पर ये बता रखा है। तो सबसे पहला यहाँ पर 5 नंबर का क्या दे रखा है, भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री से क्वेश्चन आएंगे 5 नंबर के, किस किस टॉपिक से आएंगे वो भी चीज़ें यहाँ पर इन्होंने बता रखी है, खुलकर सभी चीज़ें इन्होंने बता रखी हैं। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, यहाँ से भी आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। तीसरा है भूगोल यानी कि ज्योग्राफी, ज्योग्राफी से भी 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी के 5 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं 5 नंबर के। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन के 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे। उसके बाद है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस के 5 नंबर के। उसके बाद प्रारंभिक अंकगणित यानी कि एलिमेंट्री अर्थमेटिक के 5 नंबर के क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। और उसके बाद आपकी आएगी सामान्य हिंदी 5 नंबर की। और उसके बाद दोस्तों इंग्लिश भी 5 नंबर की। और यहाँ पर जो रीजनिंग है वो भी 5 नंबर की आपकी आने वाली है। और यहाँ पर करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की आएगी। सामान्य जागरूकता यानी कि जनरल अवेयरनेस 10 नंबर की आपकी आने वाली है। और दोस्तों यहाँ पर जो है आपकी अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचन एवं विश्लेषण, यहाँ पर 2 गद्यांश आएंगे, 1 गद्यांश 5 नंबर का, यानी कि 2 गद्यांश आपके 10 नंबर के आने वाले हैं। और ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 ग्राफ आएंगे 10 नंबर के। तालिका की व्याख्या एवं विश्लेषण, 2 तालिकाएँ आएंगी 10 नंबर की। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आपका कंप्लीट सिलेबस दे रखा है। और दोस्तों ये सभी जो क्वेश्चन होंगे वो आपके जो है सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी स्तर के होंगे और वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी यानी कि मल्टीपल चॉइस होंगे। एक क्वेश्चन होगा, उसके आपको 4 विकल्प मिलेंगे, 4 में से आपको कौन सा सही लग रहा है उस पर आपको टिक करना है। इस तरीके के क्वेश्चन आपके आएंगे। प्रत्येक गलत उत्तर पर 1/4 की नेगेटिव मार्किंग होगी, यानी कि अगर आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा।
अगर आप एक क्वेश्चन को गलत करते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है 1/4 की। तो ये इसका सिलेबस है, इसका एग्ज़ाम आपका नवंबर में हो सकता है कभी भी, ये इसकी यहाँ पर अनुमान लगाया जा रहा है। तो दोस्तों अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आपका इसका फॉर्म ज़रूर भरेगा। इससे जुड़ी कोई भी जानकारी अगर आपको जाननी है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।